रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो यह फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का पार्ट वन है, इसका एक पार्ट और बनेगा। तो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश के पार्ट वन में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम यहां पर देखेंगे। पहला पॉइंट है कि पीपुल थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, लोग जो सोचते हैं इंग्लिश के फ्यूचर के बारे में इन डिफरेंट वेज, वे अलग अलग तरह से सोचते हैं। मतलब लोग अंग्रेजी के भविष्य के लिए जब उसके बारे में चिंतन करते हैं तो उनका सोचने का जो तरीका होता है वह अलग अलग होता है। सम पीपुल थिंक दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराता है। इतिहास जो है अपने आप को स्वयं दोहराता है। एंड इंग्लिश विल गो द सेम वे एज लैटिन, और अंग्रेजी का भी वही हाल होगा, अंग्रेजी भी उसी रास्ते से जाएगी जिस तरह से लैटिन गया था। लैटिन जो सबसे पुरानी भाषा में मानी जाती है लैटिन को, तो कहता है कि अंग्रेजी का भी वही हाल होगा जैसे लैटिन का हुआ था। अगला पॉइंट में है कि अबाउट 800 ईयर्स एगो, करीब 800 वर्ष पहले की बात है, कि करीब 800 वर्ष पहले लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। लैटिन जो थी वह संसार की भाषा थी, इतनी विस्तृत भाषा थी लैटिन। इसलिए इसको लैटिन को कहा गया कि 800 वर्ष पहले जो है लैटिन जो था वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इसको माना जाता था। इट स्प्रेड, यह जो फैला ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में, एज द रोमन एम्पायर ग्रीव, जो ही रोमन साम्राज्य जो है विकसित हुआ बढ़ा, एंड मेनी न्यू वेराइटीज, और बहुत से नए नए वैरायटी जो है केम इनटू बींग जो है फ्रेज है जिसका मतलब होता है अस्तित्व में आना। तो क्या हुआ कि यह जो भाषा जो थी लैटिन यह पूरे यूरोप में फैल गई। कब? जैसे ही रोमन एम्पायर ग्रीव हुआ, विकसित हुआ, और बहुत से न्यू वैरायटीज, नए नए वेराइटीज जो हैं वे केम इन टू बींग, अस्तित्व में आए। विद द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, लेकिन रोमन एम्पायर के पतन के साथ, जैसे ही रोमन का पतन हुआ साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ क्या हुआ, द वेराइटीज मूव्ड ए पार्ट, जो नई नई वेराइटी थी वह अलग हो गई। From Latin से, and from another, और अन्य भाषाओं से वह क्या हो गई, बिल्कुल अलग होती चली गई। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो लैटिन और अन्य भाषाएं जो हैं वह अलग होती चली गई। The different varieties became new languages. तो अब जो डिफरेंट वेराइटीज आए, भिन्न भिन्न प्रकार की जो वेराइटी जो थी, विविधता जो थी, वह एक नए लैंग्वेज के रूप में आया रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही। द डिफरेंट वेराइटीज बिकेम न्यू लैंग्वेजेस, जो डिफरेंट वेराइटी का जो डिफरेंट वेराइटीज आया वह एक नई भाषा बनी। कौन कौन सी भाषा बनी, वह टूट कर करके लैटिन से और अन्य
भाषाओं से टूट कर करके स्पेनिश बनी, फ्रेंच बनी। कब? रोमन साम्राज्य के पतन होने के साथ ही यह अलग हो गई भाषा, अलग अलग भागों में बट गई। और यही बताया जा रहा है कि कौन कौन सी भाषाएं बनी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन एटसेट्रा, यह अलग अलग भाषाएं बनी। इन दिस वे, इस तरह से लैटिन भाषा का क्या होगा? लैटिन भाषा जो है बिकेम ए लैंग्वेज नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज। रोमन साम्राज्य के समाप्त होते ही लैटिन भाषा अब लोकप्रिय भाषा के रूप में नहीं रही, क्योंकि वह टूट गई। किन किन भाषाओं में? तो स्पेनिश में टूट गया, फ्रेंच में टूट गया, इटालियन में टूट गया। तो यह हालत कब हुआ? रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही। अगला पॉइंट है कि सम अदर पीपुल थिंक, कुछ दूसरे लोग की क्या सोच है, वे क्या सोचते हैं? दैट द डिफरेंट वेराइटीज विल मूव क्लोजर टूगेदर एंड फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। क्या सोचते हैं कि जो डिफरेंट वेराइटीज जो थी वह मूव कर जाएगी, मतलब वहां से हट कर करके क्लोजर किसके नजदीक जाएगा, किसके साथ नजदीक जाएगा? एंड फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, वह एक ग्लोबल मतलब पूरे ब्रह्मांड की भाषा के रूप में वह विकसित होगी। विच विल बी स्पोकन बाई ऑल, और यही जो नई वैरायटी जो आएगी वही अंग्रेजी भाषा जो है सभी के द्वारा बोली जाएगी। मतलब कि जो डिफरेंट वैरायटीज जो है विल मूव क्लोजर टुगेदर, किसके साथ मूव करेगी? एंड फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश से एक अलग भाषा बनेगी और वह भाषा सभी के द्वारा बोली जाएगी। इट विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, और यह एक एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में मतलब आम लोगों के लिए आम भाषा में इसका प्रयोग किया जाएगा। फॉर यूज इन, किस किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? इसमें चार पॉइंट को याद रखिएगा कि जब यह नई भाषा के रूप में जब विकसित होगी तो पहला चीज क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, मतलब आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेवलिंग कर सकते हैं और टूरिज्म। पहला है इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, यह जो है अंतरराष्ट्रीय यात्रा और टूरिज्म का स्थान, इसका ज्यादा मतलब जो है सो लोग ट्रेवल करेंगे और अपना टूरिज्म पर जाएंगे जहां जाना है, और एक ही भाषा के रूप में एक दूसरे के साथ अपना वार्तालाप भी करेंगे। तो पहला हुआ इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और टूरिज्म, जहां पर टूर करना है। इंटरनल प्रेस कवरेज, इंटरनल आंतरिक प्रेस का कवरेज होगा, उस प्रेस जो है मीडिया जो है उसको कवर करेगी। मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, यह साधन बनेगा किस चीज का? कम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट के बीच जो जितने भी देश के जो गवर्नमेंट होंगे उसमें आपस में वार्तालाप होगा, बातचीत होगी। मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय व्यापार की संस्था बनेगी, मतलब एक मंच पर सारे देश आकर के अपने बात को रखेंगे, आपसी व्यापार, वाणिज्य व्यापार होगा
और वह भाषा सभी के लिए कारगर होगा, जो कि कॉमन भाषा होगी, जो सभी के द्वारा बोला जाएगा। इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, कुछ डिकेट्स पहले, एक डिकेट का मतलब होता है 10 साल, तो कुछ डिकेट पिछले दस सालों से, मतलब कुछ ही जो है सो दशक ए, क्या कहते हैं दशक से, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो कुछ डिकेड है, जो कुछ ही दशक पहले, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। तो इस 20वीं शताब्दी के कुछ ही पहले, कुछ ही दशक पहले जो है, पिछले कुछ ही दशक पहले, अंग्रेजी जो है भाषा, देखा गया उसमें रैपिड चेंजेज हुआ, मतलब बहुत तेजी से उसमें बदलाव आया। एंड मेनी ऑफ द अर्लियर कंसेप्ट्स, और पहले की जो भी धारणा थी, कंसेप्ट मीन्स धारणा, और पहले की जो भी बहुत सी जो धारणा थी, वो किस चीज का, स्टैंडर्ड ग्रामर का, स्टैंडर्ड स्पेलिंग का और स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन का, इसमें बहुत तेजी से रैपिड जो है चेंजेज आए, बदलाव आते गए 20वीं शताब्दी के कुछ ही दशक पहले की बात। वन मेजर फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है फॉर दिस, इसके लिए, इज द यूज ऑफ इंटरनेट। सबसे क्रांतिकारी जो है वह कदम था यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। आज तो देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है, आप घर में ही बैठ करके सारे चीज को पढ़ सकते हैं, सारे चीज को देख सकते हैं, और इस लॉकडाउन में इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने शिक्षक से पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो है सबसे बड़ा 20वीं शताब्दी में एक मेजर फैक्टर जो था, सबसे बड़ा फैक्टर जो था, वह था द यूज ऑफ इंटरनेट। ओवर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से भी ज्यादा, द इंटरनेट हैज बिकम ए ग्लोबल फिनोमेनन, मतलब कि 10 साल से ज्यादा से इंटरनेट जो है यह ग्लोबल फेनोमेनन के रूप में काम कर रहा है। फेनोमेनन मतलब अजूबा, आप घर पर ही बैठ करके सारे चीज को आप देख रहे हैं, सारे चीज को समझ रहे हैं, बिना किताब के आप इंटरनेट से सारे चीज को पढ़ रहे हैं। तो यह क्या था, फेनोमेनन मतलब अजूबा के रूप में यह उभरा, ग्लोबल फिनोमेनन मतलब पूरे संसार के लिए एक अजूबा साबित हुआ। ओनली अबाउट 45 मिलियन पीपुल, केवल 45 मिलियन पीपुल जो है यूज द इंटरनेट इन 1995, 1995 में सिर्फ 45 मिलियन पीपुल इस्तेमाल करते थे। कहां, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे संसार में 1915 में इंटरनेट जो है इस्तेमाल करते थे कितने लोग, 45 मिलियन। लेकिन इन 2006, लेकिन 2006 तक के आंकड़ा इसमें दिया गया है, द फिगर इंक्रीज्ड, यह फिगर जो है 45 मिलियन पीपुल का, यह फिगर इंक्रीज्ड किया कितना, टू मोर देन डबल, मतलब डबल से भी ज्यादा यह जो है सो इंक्रीज किया, बढ़ोतरी हुई इसके इस्तेमाल में 2006 में। 2006 तक के आंकड़ा जो है आपको किताब में दिया गया है, मतलब कि 45 मिलियन पीपुल जो है 1995 में यूज करते थे इंटरनेट, लेकिन 2006 में यह फिगर दुगना से भी ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगा था। द कंप्यूटर इज यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यहां तक कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हो रहा था, वह जो यूज हो रहा है कंप्यूटर आज भी इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस,
भिन्न भिन्न प्रकार का जो भी उद्देश्य है, पर्पस माने उद्देश्य, भिन्न भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो मेनी कंट्रीज, यद्यपि कि बहुत सी ऐसे बहुत से ऐसे भी देश हैं, आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप प्रोग्राम्स इन देयर ओन लैंग्वेज। बहुत से ऐसे भी देश जो हैं, वे प्रयास कर रहे हैं कि जो अपना प्रोग्राम को डेवलप करना है तो उसके लिए अपने भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कि अब जहां की जो भाषा है उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से देश हैं जो अपने देश की भाषा, जो मूल भाषा है, उसमें भी प्रयास कर रहे हैं इस कंप्यूटर को यूज करने। तो यह था आपका फ्यूचर ऑफ इंग्लिश का पार्ट वन था। आप एक दो बार जरूर इस वीडियो को देखेंगे और फिर इसका पार्ट टू जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। आशा करते हैं कि यह जो आपको वीडियो में जो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पढ़ाए हैं, इसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो भी बात है वो मिलेगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।